गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। बिल्कुल मन नहीं हो रहा है ट्रैवल करने का भाई। को हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। हमने जो उबर कराई थी सुबह घर से वो भी दिखा रहा है 7 मिनट्स अवे। हम लोग एयरपोर्ट भी आ गए 7 मिनट्स अवे हैं भैया। शायद सो गए गाड़ी वाले भैया। सुबह 5 बजे देखो कहाँ घुस गई है। वाह रितु, सुबह सुबह चाय कॉफी का टाइम है, ज्वेलरी का टाइम नहीं होता यार। सुबह के 5 बजे कौन ज्वेलरी लेता है भाई? सर सुबह के 5 बजे कौन ज्वेलरी लेता है बताइए? कोई है कस्टमर जो लेते हैं 5 बजे? आते हैं कस्टमर, आते ही हैं ऐसे ऐसे कस्टमर। ये भैया अभी भी 7 मिनट्स अवे हैं। हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बोर्ड करने वाले हैं। मुझे लगता है हम मुंबई पहुंचेंगे 7 मिनट्स अवे ही होंगे हमसे तब भी। निर्लज तू फिर आ गया, दिला दे मुझे, दिला दे आजा। तो मैं बेल्ट ले रहा हूँ, मेरे पास एक भी बेल्ट नहीं है। मैं पता नहीं कैसे कैसे अपनी पैंटे ऊपर खींच खींच के काम चलाता हूँ मेरा। गाइस यहाँ पे पता है यहाँ से बेल्ट क्यों ले रहा हूँ मैं? पूछ तो ले रहा। क्योंकि अगर सिक्योरिटी में ना उतरवा देते तो मैं हमेशा एयरपोर्ट आके लेता हूँ सिक्योरिटी के बाद। हम लोग जब एयरपोर्ट पेंट्री मारे थे तो बाहर दो लोग हमें हग करके रोते हुए दिखे। मगर तो पक्का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्योंकि जब फैमिली के रिश्ते होते ना वो डोमेस्टिक फ्लाइटों में तो रोते नहीं है भैया, या तो इंटरनेशनल जा रहा होता है, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रो लेते हैं। क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए 2 हाथ की दूरी से ज्यादा दूरी होती है। समय सुबह 5 बजे यार, ह्यूमन बॉडी इतना ज्यादा काटती है आपका। हम रात को सोए 1:30 बजे, तो अगर आप रात को बीच में उठ गए जैसे 4 बजे उठ गए तो 4 बजे भूख लग जाएगी, 6 बजे भूख लग जाएगी। वैसे उठो 9 बजे तो 9 बजे मतलब जब उठो तब भूख। ये क्या बात है, टाइम होना चाहिए। और खाना देख के तो ऐसे मुंह में पानी आ रहा है मेरे को। अब आ रहा है यार, ये 220 रुपए की 230 की दो इडली है, तो एक कितने की हुई 115 की, तो एक बाइट कितने का हो गया दिखाइए, कितना पोर्शन है? 115/6 में कर सकता हूँ, मतलब 20 रुपए खा रही है। तो इस समय 20 रुपए ले, 20 रुपए नोट रख के खा चम्मच में सीधा। ये देख 2 रुपए का सांबर पीते हुए। एक बात बता लो, कहते हैं आप स्टारबक्स कॉफी के लिए नहीं है, उसके एक्सपीरियंस के लिए खरीदते हो। अब देख जो लोग वहाँ बैठे हैं वहाँ पे उनसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। सुबह सुबह 4 बजे उठ के हम ये बैठे हैं, सेम हवा सूख रहे हैं, वो भी सेम हवा सूख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अपना गेट है 6 बराबर, वहाँ एक बंदा नहीं है बोर्डिंग के लिए। बेटा और इडलियाँ खाओ। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एयरक्राफ्ट में। रितु 7 मिनट्स अवे। कौन से नशे करके सोया गाड़ी में? तो हमारे एयरक्राफ्ट अभी क्लाइम कर रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ पायलट को कृपया इसको क्लाइम में रखें, क्योंकि जब जहाज ऐसा होता ना तो मस्त पीछे टेक मिलता है, गर्दन को मस्त नींद आती है। रितु अभी इंस्टाग्राम चला रही थी तो मैंने देखा लड़कियों को जब क्यूट पिक्चर लेनी होती ना वैसे करती है, और लड़कों को जब खिलाड़ी बनना होता ना वैसे करते। झुकेगा नहीं कराया। और इसके लिए सरप्राइज है इस होटल। ब्लॉगर कितने झूठे होते हैं, कैमरे में पूछ रही क्या सरप्राइज है, कल रात को बताया था। ये क्या सरप्राइज, मैं सरप्राइज क्या है? तुम रियल ब्लॉगर हो, जैसी ऑन स्क्रीन वैसी ऑफ स्क्रीन। वाह बादशाह वाह, कितना जल्दी खुश हो गए यार तुझे मैंने क्या किया जो आप मेरी आपने बुकिंग कराई मैडम। इतना अच्छा रूम है ना कि मैं वापस आई, मैं कहा रूम टूर देना बनता है। तो कहती नहीं है, तो हम लोग आपको आज एक स्पेशल फॉर्मेट में ये रूम टूर देंगे। 5007 योर क्लियर फॉर टेक ऑफ, फ्लाइट स्ट्रेट एट रनवे हेडिंग, क्लियर फॉर टेक ऑफ, क्लियर फॉर टेक ऑफ रनवे हेडिंग, ये रनवे हेडिंग है, रनवे तो बताओ। 5007 टर्न राइट हेडिंग 090, राइट हेडिंग 090, 5007 कीप कंटिन्यू ऑन योर लेफ्ट, यू मे स्पॉट टू बैग्स, बैग कीपिंग एरिया आपको लेफ्ट में मिल जाएगा। 5007 कीप कमिंग स्ट्रेट एंड टर्न राइट हेडिंग 270, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बाहर क्या बढ़िया। होटलों में तिजोरी खाली को देते हैं यार, मुझे हम मार्च जोड़ी कर रहे थे, हमारी तिजोरी में कुछ छूट गया था। काश हमको भी ऐसे ही वो बेवकूफ गेस्ट मिले हमसे पहले वाले जो कुछ छोड़ गए, मगर कोई मिलते नहीं है। कम टर्न राइट हस्बैंड 007 ऑन योर राइट, यू कैन सी अ वाइट बेड व्हिच इज वेरी गुड कंफी, ये चीज दिखाते हैं। तो ये रूम मैंने क्यों कराया था, मैं कह रहा था जब भी मैं नेक्स्ट टाइम मुंबई आऊंगा मेरे को ये वाला व्यू चाहिए, और यहाँ से आपको मिल जाएगा सामने मुंबई एयरपोर्ट का व्यू। टर्मिनल है तो बिल्कुल साफ ही दिख रहा है यार, जैसे अल्फा गेट्स पे नहीं आते, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वाले गेट से उस तरफ जो आप देख रहे हैं वो है कालीना टर्मिनल, वो जो जहाज खड़े तो वहाँ पे जो टर्मिनल है वो देखो 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 जहाज आ गया, वो तो जहाज
वो नवंबर 8 से उसने वैकेट किया है। तो ये मुंबई का मेन रनवे है, रनवे 2709। तो अगर जहाज ऐसे लैंड करता है तो रनवे 27 पे लैंड कर रहा है, ऐसे लैंड करता है तो रनवे 09 पे लैंड कर रहा है। जब ओबामा साहब मुंबई आए थे तो उस समय रनवे इन यूज 27 था विंड के हिसाब से, लेकिन उनको 09 पे लैंड कराया गया था। बताओ क्यों? क्यों? बिगेस्ट स्लम एरिया कौन सा है पड़ता है तो वो व्यू अवॉइड करने के लिए वो समंदर के ऊपर से उनको ले गया है। तो वो अपना प्राइवेट टर्मिनल है जहाँ से आप अगर प्राइवेट चार्टर कराते हैं तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी अंबानी जडानी के फ्लाई आउट फ्रॉम देयर। हमने एक ब्लॉग किया था जब हम लोग प्राइवेट चार्टर में फ्लाई आउट किया था हमने। इस समय रनवे कुछ ज्यादा जोर शोर से चलते, वो जो देखे वो डंडा घूम रहा है वो कौन सा ये वाला? हाँ, वो है SMR सरफेस मूवमेंट रडार। एक तो हवा में जब जहाज आता रडार पे दिखता है, जब ग्राउंड पे भी है तब भी वो लोग ट्रैक करते, क्योंकि ATC क्या है जब बैठा हुआ है ग्राउंड पे ना उसको पूरे एयरपोर्ट की विजिबिलिटी होनी चाहिए, बट वो देखता नहीं रहता, अपनी स्क्रीन पे देखता कौन सा जहाज किस टैक्सी वे पे किस रनवे पे कहाँ पे पहुंच गया। तो ये SMR बोलते हैं इसको। देखो देखो आया है, लेकिन टच डाउन नहीं देख पाएंगे अपना। हाँ टच डाउन नहीं देख पाओगे, सहलेंगे थोड़ा सा। अभी हम लोग निकला है रूम से, हम लोग खाने जा रहे हैं मुंबई का स्ट्रीट फूड से पूरी मेरी फेवरेट है, और एक पाव भाजी और एक चाय पाव बड़ा पाव चाय ले। तो ये रहा मुंबई का ATC टावर, यहाँ से हमने एक बार व्लॉग बनाया था। हाँ, इनको गए थे ना। और क्या, हम आ चुके हैं नए वाले। अरे ये सही है रितु, ये बढ़िया भैया, थैंक यू भैया, भैया हमको लेके आए यहाँ पे, धन्यवाद। ये लो रितु मीठा आपका, ये ले। अब मिल गया फाइनली बढ़िया दुकान जाके, चक्कर डाल दिया। क्या बढ़िया भैया, किस पूरे में शक्कर है? अरे चलो कोई नहीं भैया। बिस्किट कितने का ला दो, बिस्किट दो। कहाँ से है? डूंगरपुर से। महाराष्ट्र में ही है? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान से है भैया। एयरपोर्ट जाना है यहाँ से किस साइड? लेफ्ट साइड। ये देखो हम गलियों में घूमते 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 यहाँ आ गए, कहाँ है पता नहीं, बस चले जा रहे हैं। मूवीज की शूटिंग होती है, वो भागते रहते हैं गलियों में, पकड़ रही होती है। हाँ, फिर वो एक आधे ऐसे इन तीनों पे चढ़ जाते हैं, छतों पे चढ़ जाते हैं, कच्चे छतों पे। ये देखो बच्चे मजे कर रहे हैं लॉलीपॉप। अब सोसाइटी में मजे नहीं, बचपन में ना ऐसे सब बच्चे बाहर बैठे हुए खेल रहे, ऐसे ऐसे कह रहे, किसी घर में कुंडी बननी है खुले। बेटा हम कहीं और आ गए हैं, मेन रोड से कैसे जाओगे एयरपोर्ट? आज मुझे लगता है हम आधा मुंबई छान ना रहेंगे, कि मुंबई में गली गली में मिलता क्या है। एक्सप्रेशन देखो इसके गंदे। 500 मीटर घूमी होगी, 500 मीटर वो मुंबई छान मारेंगे। कुछ भी, लेकिन मेरे को असली में लेकिन ऐसे गली में घूमने में मजा आता है यार। गली गली में क्या, किस घर में कैसा है, मुझे भी मजा उसी में आता है। लेकिन जिस हिसाब से बोल रही थी ना कि पूरे मुंबई छान मारेंगे, वैसे यूट्यूबर होकर जो कहते हैं गाइस आप लोग ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट भेजी किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मेरा DM भर चुका है। ये बाइक देख रहा है मोटे, देखो बाइक देख रहा है, बाइक देख रहा है। कौन सी बाइक, कौन सी बाइक? ये देख रहा है बाइक, कौन सी बाइक? ये बाइक देख के मुझे पता क्या याद आई, जो तूने मुझे फट फट यार रेंट करके पूरा बॉम्बे घुमाया था लास्ट विजिट में। वो ब्लॉग गया ही नहीं कभी। क्यों नहीं गया? उसमें GoPro खराब हो गया था, वो फुटेज ही नहीं गई। तो मोटा मुझे कहता मैं तेरे को ना बहुत बढ़िया बॉम्बे राइड कराता हूँ, इसने ना मोटे ने रेंट करी एक बाइक, वो इतनी फट फटिया बाइक थी, 500 रूपए भाड़ा दिया होगा इसने दिन का उसका। मम्मा कहाँ गई? अब मम्मा के बच्चों को देखने, बच्चों ठीक हो ना? ब्लॉगर थे वो, उनसे बच के रहना। आज मकर संक्रांति इसलिए उड़ा रहे हो क्या? मकर संक्रांति पे उड़ा रहे हो, ज्यादा है नहीं, लड़ाओ किससे? अकेले अकेले? तो ये भी सही, ऑल द बेस्ट। देखो अकेला अकेला बैठा है, धूप सेक रहा है। अगर मुझसे प्यार करता तो पलटेगा, पलट पलट। अबे वो डर के पलटा वे, पीछे कौन है देख लूं। चिल्ला क्यों रहा, आराम से बात करो, सुनाइए क्या हमको। ये देखो मकर संक्रांति पे हमने मुंबई में आके पतंग लूटी है। लौट के बुद्धू घर को आए, हमें ये पता चला बाहर जाके कि मुंबई में सारा स्ट्रीट फूड मिलता है, शाम को रवि शाम नहीं हो रही। वापसी में मैं और ऋतु ये डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि पैदल ही गए पैदल ही आए। मैं कह रही तू जिंदगी में अपने कितने कितने काम हुए हैं उसके बारे में बात नहीं करते, कितने कितने काम अपने नहीं हुए, कितने कितने काम अपने खराब हुए, कितने कितने काम ऐसे थे कि बहुत चक्कर काटे किसी ने भाव नहीं दिया काम हुआ ही नहीं, और कितने काम ऐसे थे कि हमें लगा कि यार क्यों नहीं हो रहे, सब कुछ तो सही है, एवरीथिंग इज राइट। तो हमने कुछ कॉन्क्रीट तथ्य उसके निकाले, तो हमें लगा कि यार ये बताओ, ये लाइफ की इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है और ये आपको कोई स्कूल कोई किताब कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। रितु सेट की हम अपने बच्चों को जरूर ये पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो है मेन लेसन है यार, कहीं नहीं होते है ना रितु। रनवे पे पतंग आ गई, दिख नहीं रही होगी, ये देखो ये, अरे कहाँ गई, ये गिरी 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 है, ये देखो ये गिरी गिरी गिरी, ये देखो ये देखो ये देखो, देखिए 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 देखिए। अगर ये पतंग रनवे पे गिर गई होती तो मुंबई का रनवे बंद हो जाता, फिर एक वो आती क्या कहते क्या बोलते उसको फॉलो, ये देखो मिनट ऊपर गिरी रनवे पे गिरती है, तो ये देख रहे हो इसको बोलते हैं फॉलो मी, ये फॉलो मी जीप होती है। देखो पतंग उठाने गई, तो ये पतंग उठाने गई, अगर रनवे पे गिरती है रनवे शट होता, रनवे ऑपरेशन शट, जो होते बंदे फाइनल अप्रोच पे मारते गो राउंड, और फिर ये फॉलो मी पहले उठाती, फिर वो क्लियरेंस
लाइन ये थी, यस सर रनवे क्लियर। और ये फिर उसके बाद ये नहीं कि पतंग उठा ली, फिर इनको पूरे रनवे का चेक करना होता है कि पूरे रनवे पे कोई एफओडी ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफओडी, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, है ना रितु? फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज तो मुझे ध्यान है। एफओडी क्या होता है? फॉरेन ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, कुछ ऐसी था। डिटेक्टिव मेरे को तो दो साल हो गए फ्रैंकी, तेरे को तो कुछ नहीं। डिटेक्टिव नहीं, डिटेक्टेड तो हरियाणा जिंदाबाद। देखो तो वहाँ पूरा रनवे चेक करते हैं लोग, उसके बाद क्लियरेंस देते हैं। एक और पतंग आ गई, ये देखो फॉलो मी लेने गई है इसको, यहाँ पतंग गिरी है, फॉलो मी तो आज पतंग ही लेती रहेगी भैया। एक पतंग तो यहीं पे आ गई हमारे रूम के बाहर। देखिए मैं बता दूं, जैसे जितने भी होटल्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट रनवे और एयरपोर्ट का व्यू होता है, उसके सारे ग्लास, एक तो डबल है, एक ये लगा है और एक ये लगा है, और सारे बुलेट प्रूफ होते हैं। समय शाम के 6:30 बजे, रशी कहती शाम, मुझे शाम के 6:30 बजे हम लोग पी रहे हैं मस्त चाय अपने पहले प्यार के साथ रितु राठी और दूसरे प्यार के साथ एविएशन। एक्चुअली लाइटर इफेक्ट मारी, उतना अच्छा देख नहीं रहा बाहर का, बट दिस इज रनवे। और अब एक्चुअली नेकेड ऐसे देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि मस्त हो चुका है। सुबह से इतने पतंगे उड़े ना यहाँ पे, इतने पतंगे उड़े ना यहाँ पे भाई। पिज्जा आ चुका है, वाइन आ चुकी है, सामने जिसके साथ खाना खाने आते हैं वो कहीं जा चुकी है, आधा पिज्जा मैं खा भी चुका हूँ। तो ये है मेरी डिश, ये है कॉलीफ्लावर, ट्राई करते हैं इसको, ये भी उंगली मारेंगी अब जरूर। आपने मेरा वो खा लिया पूरा? हां खा ले बेटा खा ले। तो ये है ऋतिक, इन्होंने हमको रिकमेंड किया था कॉलीफ्लावर डिश खाने का, भाई बहुत ही ज्यादा मजा आया, थैंक यू ऋतिक, एक पल का जीना कर दिया आपने भाई। तो हम लोग ने खाया यहाँ पे खाना सो हाउस में विद 18% GST। अब मैं आपको खिलाऊंगा खाना मेरा फेवरेट विदाउट GST। मैडम आइए, विदाउट GST रेस्टोरेंट में चलते हैं। ये जो सामने कपड़े का स्टोर है ना, यहाँ से जो भी कपड़ा लेगा पता है वो क्या होगा? वो लड़की क्या होगी? पगली। असली पढ़ाई वाले बच्चे पता कौन होते हैं? ये जो ग्रंथ बुक स्टोर पे ज्यादा के पढ़ रहे हैं, वो देख वो पढ़ रही है, वो पढ़ रहा है। स्टारबक्स में तो नौटंकी करते हैं लोग, आके 400 रुपए की कॉफी लेके बैठ जाते हैं, फालतू में वाईफाई चलाते हैं वहाँ पे। A few moments later. तो हम लोग को सेब पूरी पीछे मिली नहीं, क्योंकि भैया के पास सेब खत्म हो गए थे, तो हमने कहा पैदल चलते हैं। अब हम लोग पूरा क्या कहते हैं जुहू नाप रहे पैदल, और सेब पूरी नहीं मिल रही, और उसके बिना हम जाएंगे ही नहीं। Little longer than a few minutes later. तो हमारी फूटी किस्मत, हमको तो सेब पूरी मिली नहीं, तो हम लोग अभी आ गए इस होटल में, यहाँ पे कुछ और बैठते हैं, चिल करते हैं, कुछ खाते और काम करते हैं। वी आर बैक टू आवर रूम। आज इतनी खराब किस्मत, जिस काम के लिए मुंबई आए तो हमारा काम भी नहीं हुआ, और मैं सेब पूरी भी नहीं रही। फाइनली रितु अब कुछ कर लिया, क्या करी पता नहीं, मैं अपना मील खा रहा हूँ टेस्टी सा। व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल सुबह वापस दिल्ली की, और आपसे मिलेंगे दिल्ली से। अपने साथ स्कैम हो गया गंदा वाला। क्यों? वो जो ट्रिप थी जो 7 मिनट्स अवे वो दिखा रहा है, उसने हमको एयरपोर्ट ड्रॉप किया है। देखो एड ट्रिप 14 को सैटरडे टू टर्मिनल 1। बट ऐसे कैसे हो? पता नहीं कैसे हो गया ये। वो खाली गाड़ी लेगा क्या बात है, जो स्क्रीन खोली तो OTP नहीं। हाँ दिए नहीं OTP। OTP के बिना कैसे चल गई? ठीक है, ये टिंकू ही था सुबह, सैटरडे टर्मिनल 1 ही, सैटरडे भी आज चूना लगा दिया।